ये स्टूडेंट्स, ये हमारा आज का दूसरा लेसन है। फर्स्ट पैराग्राफ हमने लेक्चर नंबर 1 में पढ़ लिया था, उसको अच्छे तरीके से। आज हम इसका सेकंड पैराग्राफ पढ़ेंगे कि हिजरत के बाद वो मदीना गए और उन्होंने एक इस्लामी रियासत की बुनियाद रखी जो कि 3 मेजर असूलों पर मबनी थी। वो 3 असूल क्या थे? ऑल पावर्स बिलोंग टू गॉड, मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम इज हिज प्रॉफिट, एंड ऑल मुस्लिम्स आर ब्रदर टू वन अनदर। ठीक है। इन मदीना द प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम फाउंडेड एन इस्लामिक सोसाइटी। मदीना में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक इस्लामी माशरे की बुनियाद रखी बेस्ड ऑन द 3 प्रिंसिपल्स जो कि 3 असूलों पर मबनी थी। दैट ऑल पावर बिलोंग्स टू गॉड, कि सारी ताकतें अल्लाह से बिलोंग करती हैं, अल्लाह की हैं। हज़रत मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम इज हिज प्रॉफिट, हज़रत मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके पैगंबर हैं। एंड ऑल मुस्लिम्स आर ब्रदर टू वन अनदर, और सारे मुसलमान आपस में भाई भाई हैं। ही रेस्ड वीमेन फ्रॉम द स्टेटस ऑफ चैटल, फ्रॉम द स्टेटस ऑफ अ चैटल टू कम्प्लीट लीगल इक्वेलिटी विद मैन। अब उन्होंने सबसे पहली दफ़ा ही रेस्ड वीमेन, उन्होंने उठाया ख़वातीन को, उनका स्टेटस बुलंद किया, उनका मर्तबा बुलंद किया। ठीक है। फ्रॉम द स्टेटस ऑफ चैटल टू कम्प्लीट लीगल इक्वालिटी विद मैन, यानी मुकम्मल तौर पर मालो मता के लिहाज से उनको मर्दों के बराबर खड़ा किया। लीगल इक्वालिटी, कानूनी तौर पर मर्दों के बराबर खड़ा किया। किस लिहाज से? मालो मता के लिहाज से। ही स्टेटस ऑफ चैटल कहते हैं मालो मता। ही मेड पीपल टू लिव विद फेथ सिंसेरिटी एंड ऑनेस्ट डीलिंग, उन्होंने लोगों को सिखाया जिंदगी गुजारने का तरीका कैसे, ईमानदारी के साथ, इखलास के साथ और दयानतदारी के साथ। फिर ईमानदारी, सिंसेरिटी, इखलास और ईमानदारी के साथ। एंड फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री मेड यूनिवर्सल ह्यूमन ब्रदरहुड अफेक्ट, और पहली दफ़ा हकीकत का रूप दिया। एंड द प्रिंसिपल ऑफ कॉमन लॉ, और आम कानून बना दिया, हकीकत का रूप दिया और कानून बना दिया। किस चीज़ को? यूनिवर्सल ह्यूमन ब्रदरहुड को, यानी आफाकी इंसानी अखुवत को, ब्रदरहुड अखुवत। हिज सपोर्ट एंड गाइड इन ऑल दैट वर्क वाज द कुरान। अच्छा, हिज सपोर्ट, इन तमाम चीज़ों में उन्होंने रहनुमाई और गाइडेंस, यानी रहनुमाई और हमायत कहाँ से ली? कुरान से। इन तमाम कामों में उन्होंने रहनुमाई और हमायत कहाँ से ली? कुरान से। फिर कब उन्होंने दोबारा हिजरत, दोबारा यानी कब उन्होंने हज परफॉर्म किया, तो ये देखें इन 2 लाइनों में आपको पता चलेगा। इन द 10th ईयर ऑफ हिजरा द होली प्रॉफिट अलॉन्ग विद हिज फॉलोवर्स वेंट टू परफॉर्म हज एट मक्का। इन द 10th ईयर ऑफ हिजरा द प्रॉफिट टुगेदर विद हिज फॉलोवर्स वेंट टू परफॉर्म हज एट मक्का। हिजरत के 10वें साल हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने फॉलोवर्स के साथ, अपने पैरोकारों के साथ हज परफॉर्म करने मक्का चले गए। ऑन दिस हिस्टोरिक इक्वेशन, इस तारीखी मौके पर ही एड्रेस अ वेरी लार्ज गैदरिंग ऑफ मुस्लिम ऑन माउंट अराफात, उन्होंने एक बहुत बड़े मुसलमानों की गैदरिंग से के यानी हजूम से। गैदरिंग का क्या मतलब होता है? गैदरिंग का मतलब होता है इज्तमा, उसको हम इज्तमा भी कहते हैं। एक बहुत बड़े इज्तमा से खिताब किया अरफात की पहाड़ी पर। दिस एड्रेस प्रूव्ड टू बी हिज लास्ट हज सरमन, और यही जो उनका खुतबा था, उनका आखिरी हज का खुतबा साबित हुआ। इन दिस सरमन, इस खुतबे में ही वंस अगेन रिपीटेड, उन्होंने एक दफ़ा फिर दोहराया द मैसेज ऑफ इस्लाम, इस्लाम का पैगाम। ही सेड देयर इज नो गॉड एक्सेप्ट अल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई दूसरा खुदा नहीं है।
ही इज द ओनली गॉड, वो सिर्फ वही एक खुदा है, नन शेयर्स हिज अथॉरिटी एंड पावर, कोई शरीक नहीं है उसकी ताकत में और उसके अख्तियार में। ही फुलफिल्ड हिज प्रॉमिस, उसने अपना वादा पूरा किया, एंड हेल्प्ड हिज प्रॉफिट, और मदद की अपने पैगंबर की, अगेंस्ट द फोर्सेस ऑफ ईविल, यानी शैतानी कुव्वतों के खिलाफ। तो बच्चों आपने इस वाले, ये जो मैंने आपको पढ़ाया आज का लेसन, इसमें सबसे पहला क्वेश्चन, तो आपके पास दो क्वेश्चन आराम से निकल सकते हैं इसमें, कि ऑन विच प्रिंसिपल्स द इस्लामिक सोसाइटी वॉज बेस्ड अपॉन। इस्लामिक सोसाइटी वॉज बेस्ड अपॉन थ्री प्रिंसिपल्स। कौन से तीन प्रिंसिपल थे? एक तो ये, ऑल पावर्स बिलोंग टू गॉड, मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम इज लास्ट प्रॉफिट, एंड ऑल मुस्लिम्स आर ब्रदर टू वन अनदर। और नेक्स्ट क्वेश्चन ये हम लिख सकते हैं कि व्हेन डिड होली प्रॉफिट परफॉर्म हज, तो आप यहाँ से आंसर ले सकते हैं, इन द 10th ईयर ऑफ हिजरा द प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम अलोंग विद हिज फॉलोअर वेंट टू परफॉर्म हज एट मक्का। तो कब किया? 10th ईयर ऑफ हिजरा।